मिस्टर वाजपेयी, का ये वर्ड ओरिजिनली मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए इस्तेमाल होता था। यूपीए में रहते थे तब भी मंत्री रहते थे, एनडीए में रहते थे तब भी मंत्री रहते थे, तो ये तो मुझे लगता है इसमें सबको महारत हासिल है। क्यों नहीं, अगर कोई आदमी ऊपर से लिखा के लाया है तो क्या करोगे आप उसमें? आज तो आप व्यंगों के तीर दबा दबा ऊपर से लिखा के चला रहे हो, मतलब ये आपको अच्छा लग रहा है और क्या? आप भी ऊपर से लिखा के अरे लाए, हम भी ऊपर से लिखा के लाए, मतलब क्या जाजी? ये हकीकत है जाजी, मैं कह रही हूँ ऐसे चेहरा अजीब लग रहा है, हंसी रोकते हुए चेहरा बहुत अजीब लग रहा है, हंस लीजिए कोई बात नहीं है, कोई आपकी पार्टी में बुरा नहीं मानेगा। हाँ देखिए देखिए अंजना जी सीरियस, अंजना जी सीरियस नोट पे, अंजना जी सीरियस नोट पे बात करते हैं। सीरियस नोट पे सवाल बिहार के डेवलपमेंट का भी है। हाँ तो बिहार का डेवलपमेंट सीरियस नोट है, 30 साल से हैं ये लोग, लालू यादव है वो भी हमारे साथ ही रहे हैं, समाजवाद के योद्धा भी रहे हैं, नीतीश बाबू 18 साल से हैं वो भी समाजवाद के योद्धा रहे हैं, बड़ी नारेबाजी भी उन्होंने भी की है, कहां पहुंचा दिया, ये है सीरियस नोट, इस पे जवाब देना पड़ेगा सबको। हाँ, लेकिन ये बताइए ना वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी एक बार आशुतोष जी के, हाँ नहीं इससे क्या करना है, जब तक जब वो उधर गए थे तब दिक्कत थी ना, तब ये सब बात मायने रखती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से रामविलास जी के जाने के बाद क्या पॉलिटिक्स रही है जी? चिराग पासवान की पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी नीतीश रही है, अब उनको अपने शब्दकोश से पलटू शब्द हटाना पड़ेगा, मुश्किल तो नहीं होगा उनके लिए? क्यों हटाना पड़े? अरे कोई तथ्य थोड़ी पलट जाएंगे अंजना जी, तथ्य नहीं पलटते। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कितनी बार गए नीतीश बाबू, तो मैं बता देता हूँ ना, 98 में पहली बार शुरुआत हुई थी, जनता दल तोड़ के समता पार्टी बनाई थी और समता पार्टी जाके जॉर्ज फर्नांडिस और ये दोनों जने जाके बीजेपी की गोद में बैठे थे। उसके बाद 13 में हुआ था, उसके बाद 17 में हुआ था, उसके बाद 22 में हुआ था, और अब शायद ये 24 चल रहा है। तो वो छोड़िए, देखिए तब तो थोड़ी पलटे जाएंगे, कौन बदल देगा इन तथ्यों को? इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं। और जिस नीतीश बाबू, और देखिए ना बहुत आसान रहेगा वाजपेयी जी, मैं आपको बताती हूँ ना, अरे सुनिए ना, बहुत आसान है, मैं कहती हूँ इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम की छतरी खोल दीजिए और फिर सब उसके नीचे आके कहिए कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2024 में चुनाव जीतना है। अब टीएमसी कह रही है नीतीश के एनडीए में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये टीएमसी का बयान आया। नीतीश को लेकर टीएमसी का पहला रिएक्शन, नीतीश अलग हुए तो तेजस्वी के लिए अच्छा ही होगा, ये टीएमसी की तरफ से बयान आया है। आशुतोष जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी, टीएमसी और इंडिया गठबंधन क्या आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश का जाना कोई लॉस नहीं कहलाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठकों के अंदर से खबर साफ आ रही थी कि ममता का जो रुख था उससे नीतीश काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया, इंडिया नाम रखवा दिया, वो खासे नाराज थे, मोह भंग उनका हुआ है, तो एक वजह ममता बनर्जी भी थी। अंजना अगर ये कोई कहे कि सामने दो सेनाएं खड़ी हुई हैं और एक सेना का सेनापति दूसरी सेना से जाके मिले, तो जिस सेना का सेनापति छोड़ के जाएगा उसका उसका हाल क्या होगा? वो तो बिखराव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में टीएमसी या इंडिया गठबंधन के लोगों का क्या बयान है? यही बयान आएगा कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हकीकत यह है कि जब नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाते हैं, जाना जा ही रहे हैं, तो इससे बड़ा सेटबैक चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन को नहीं हो सकता है। और यह इस ओर इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जिस टीएमसी ने यह बयान दिया है वही टीएमसी बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। पर ये आग उनकी खुद की लगाई हुई है आशुतोष जी, और इस बार वो ये नहीं कह सकते कि खोखा खोखा खोखा, या वो नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप को नहीं लगा सकते हैं, या एजेंसी एजेंसी एजेंसी, ये तो नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं। नहीं मैं ये आग उनकी खुद की लगाई हुई है, कांग्रेस ने कहीं पर डील नहीं होने दिया ना, कांग्रेस यहां पर भी 10 सीटें मांग रही है। नहीं ये कहना गलत होगा, मुझे लगता है कि ये तैयारी से 2 दिन की तैयारी नहीं है। आपको याद होगा जब दिसंबर के महीने के अंदर जब बात हो रही थी और जब ललन सिंह को हटाने की बात की जा रही थी, उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर ललन सिंह को क्यों हटाया जा रहा, तब ये बात आ रही थी ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीब है। तो ये जो बातचीत आज की तारीख में जब बातचीत है, और ये आप देखिए कि पिछले दिनों जो राजस्थान पत्रिका को जो अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारे लिए दरवाजे जो है अगर प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे, और ये वही अमित शाह थे जिन्होंने झंझारपुर की रैली में स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस जन्म में नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। नहीं लेकिन इसमें बीजेपी को कैसे श्रेय जाता है?
नहीं, ये पूरी तरीके से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही थी जो आपने मना किया। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इसमें अगर ये स्थिति आई है तो इंडिया गठबंधन हैज टू टेक द ब्लेम। उनको समझना पड़ेगा कि उनकी चूक है, ये खुद की लगाई हुई आग है उनकी। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें तो ये तो दीवार पे स्पष्ट तौर पर लिखा। मैं जो कह रहा हूं, मैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए दो राज्य थे महाराष्ट्र और बिहार जहां बीजेपी को दिक्कत आ रही थी। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। बिहार के अंदर उनको लग रहा था कि अगर ये गठबंधन एक साथ रहेगा तो बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव में दिक्कत आ सकती है। तो जनता दल यूनाइटेड के साथ दरवाजे खोलने की बात है, वो आज से नहीं, तकरीबन 2-3 महीने से लगातार इस बारे में अटकलें चल रही थी। तो अगर आज की पिछली बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी जनता दल यूनाइटेड मिलकर जीती थी, आज अगर फिर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी तो बिहार के अंदर बाकी के जो गठबंधन के साथी है उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है। जल्दी से एक बार दिखाइए अजय आलोक जी को। अजय आलोक जी, कुल मिलाकर ये जो स्थिति बन रही है, ये क्या पूरे पॉलिटिक्स पे, इंडिया के पॉलिटिक्स पे अच्छा रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग कुछ दिन की कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर मिल जाते हैं, चुनाव के एन पहले मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको फायदा है कर्पूरी ठाकुर से जो इस कड़ी की शुरुआत हुई अति पिछड़ों को अपनी तरफ करने की, वो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। देखिए राजनीतिक तौर पर अगर आप जमीनी स्थिति देखिएगा, अंजना जी आप भी बिहार की हैं, तो पिछले 3 उपचुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी, महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा था, तीनों उपचुनाव हम जीते। हाँ। और उस चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि अति पिछड़ों का वोट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। 2017 में भी गठबंधन टूटा था, मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, अभिषेक तो थे नहीं उस वक्त, बहुत अच्छे से मुझे याद है 3 दिन तक पार्टी का मंथन चला था कि हमारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है अगर हम आरजेडी के साथ रहेंगे तो। ये 2017 की वस्तु स्थिति थी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है, ब्लेम करना। एक सेकंड, आप कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है? नेचुरल अलायंस नहीं है, तो बिहार की सोशल केमिस्ट्री ऐसी है कि आरजेडी के साथ लोग नहीं रहेंगे। आशुतोष जी की बात सुन के मुझे फिर एक गाना याद आ गया कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। भैया वहां घमंडिया टूट रहा है तो इसमें हम लोग क्या करें, वो तो टूटना ही था। अहंकार से सजे हुए व्यक्तियों की प्रतिमा लगी हुई है घमंडियों में, तो कहां एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे। जब मैं कहता हूं विपक्षी वी अपक्षी, पक्षियों की एक जाति कभी साथ में नहीं रहती है, 2-3 जाति आते हैं, बर्ड सेंचुरी में बैठे 6-8 महीना, बैंगलोर दिल्ली मुंबई पटना चक्कर लगा, थोड़ा होटल में खाए पिए, उसके बाद सीजन खत्म हुआ, अपने अपने रास्ते उड़ गए। उसमें बीजेपी को लाने से क्या मतलब है? और आपके तो पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है, आएंगे या नहीं आएंगे क्या होगा। और आपके पिंजरे में सबके लिए जगह रहती है कि अगर उड़ के आना है तो यहाँ आ जाना। में नहीं, अब आप देखिए पिंजरा, अब आप तो पिंजरा कह रही हैं, एनडीए को आप पिंजरा बना, आपने पिंजरा बना दिया तो उसको क्या बनाइएगा। और जंगल राज मैडम कह रही थी कंचना यादव, हम तो आज भी कह रहे हैं बिहार में आज भी जंगल राज है। 16 हत्याएं हुई हैं आज और 19 बलात्कार हुए हैं। नीतीश बाबू ही गृहमंत्री हैं लेकिन आपके कारण कुछ कर नहीं पा रहे। बिहार में तो आज भी जंगल राज है, जिम्मेदारी तो नीतीश जी को लेना ही पड़ेगा। अब पीछे में बोलते भी हैं ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बोलते हैं ये बात सब पूरे बिहार को पता है, आरजेडी को पता है। इनके कहने पे डीएमएसपी ट्रांसफर नहीं होता है, मुश्किल से 6-7 डीएमएसपी का ट्रांसफर करवाया था, वो भी आज बदल दिया। ये सब करना बिहार को गवर्नेंस के नाम पे, बिहार जीरो हो गया है। आप ये सोचिए कि जहां पर शिक्षा मंत्री लड़ जाता हो शिक्षा सचिव से, शिक्षा सचिव लड़ जाता हो पटना के डीएम से, वहां क्या गवर्नेंस है भाई। नीतीश कुमार का यही सुशासन है, इसी को तो जंगल राज कहते हैं, आज भी मौजूद है। इसको बदलने की जरूरत है, बिहार के भले की जरूरत है, बिहार के डेवलपमेंट की जरूरत है, और इस सोच से डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है कंचना जी, जवाब दीजिए। आलोक जी आपने तो बहुत अच्छे से कह दिया कितनी घटनाएं वहां पर हुई, लेकिन आपको मालूम होगा कि इससे दुगनी और 3 गुनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी, और एनसीआरबी के आप आंकड़े भी देखे होंगे, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बहुत साफ करना चाह रही हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं पता आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर जाते हैं तो एक चीज तय हो जाएगी, मोदी जी की गारंटी में कुछ हो या ना हो, भले उनकी गारंटी। अरे अभी तो कंचना जी आपको अपना घर संभालना है, क्या होगा तेजस्वी यादव का।